कॉस्मिक क्लासेस, जिस बार हम लोग वाडा के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी साइंस के बारे में। तो इससे पहले कि हम कुछ शुरू करें, साइनैप्स के बारे में क्या जानते हो? सर, साइनैप्स वो होता है दो न्यूरॉन के बीच की स्पेस जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। सही। तो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है दो न्यूरॉन्स के बीच में, उसमें किस तरीके से ट्रांसफर होती है, मतलब वो मेथड क्या होता है? सर, एक इलेक्ट्रिकल होता है, दूसरा केमिकल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या फिर केमिकल सिग्नल्स होते हैं। अगर केमिकल सिग्नल की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से केमिकल्स हैं? एसिटिलकोलीन और गाबा, इसके अलावा भी और भी होते हैं। उसके बाद वांडा की पावर की अगर बात करें तो वो एक तरीके की डाइल्यूटेड फॉर्म है माइंड इलेक्ट्रॉन की, और इसी वजह से इन्फिनिटी वॉर में विजन उससे कहता है कि हाँ तुम ही हो जो माइंड स्टोन को तोड़ सकती हो। इसके पीछे जो उसकी पावर है वो किस टेक्निक के थ्रू काम करती है, वो है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। एवेंजर के एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले पार्ट में हमने देखा है कि वो पूरी की पूरी एवेंजर की टीम को ड्रीम सीक्वेंस में फंसा देती है या हेलुसिनेशन में। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस जो है वो है टोनी स्टार्क का, जिसको वो उसके पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को वापस दिखाती है। क्यों? क्योंकि वो उसके डीपर कॉर्टेक्स में जाके वहां के ऑडिटरी, विजुअल और सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से उसको हेलुसिनेशंस होते हैं। इससे ये हमें पता चलता है कि वांडा को कहीं ना कहीं न्यूरोएनाटॉमी और न्यूरोफिजियोलॉजी की बहुत ही ज्यादा अच्छी नॉलेज है। अगर इसके पीछे की साइंस के बारे में जाने तो सबसे पहले शुरुआत इसकी थी ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट से, जिसमें हमको ये पता चलता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसमें ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और दूसरी बात हमें ये तब पता चलती है अगर कोई हमारे पास कंडक्टर है, उसमें हम उसके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स का चेंज करें तो उसकी वजह से उस कंडक्टर में ऑटोमेटिकली करंट जनरेट हो जाती है। इन दोनों मेथड का इस्तेमाल वांडा करती है। अगर हम देखें तो वो अपने हाथों का ऐसे रोटेट करती है जिसके थ्रू वो एक करंट जनरेट करती है अपने हाथों में, और उस करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, यानी कि ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट। और उस मैग्नेटिक फील्ड को वो दूसरे के सामने वाले के दिमाग के लिए ऐसे चेंज करती है कि उससे जाने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज हो रही होती है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो वो सामने वाले के ब्रेन में करंट जनरेट कर सकती है। करंट जो भी जनरेट होगा वो उन खास न्यूरल सेल्स में होगा जिसको वो स्टिमुलेट करना चाहे। इसकी वजह से आदमी को वो जो चाहे वो विजुलाइज करवा सकती है, वो महसूस करवा सकती है। ये सारी चीजें अगर टेक्निक की बात करें तो ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन क्या सच में एग्जिस्ट करता है? तो हाँ, ये सच में एग्जिस्ट करता है। इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर अलेक्जेंडर और डॉक्टर जोसेफ ने इंसब्रुक यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रिया में है, वहां पे इस पे एक रिसर्च करी और जाना कि जब बिजली कड़कती है तो 20 से 200 मीटर के दायरे में जो लोग होते हैं उन लोगों को कभी कभी एक केबल बॉल जैसी नजर आती है चमकती हुई। तो उसके पीछे भी रीजन यही है कि उनका ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन हो रहा होता है। इसके बाद डॉक्टर इयान क्रूक, जिन्होंने क्लिनिकल मेथडोलॉजी में इसका इस्तेमाल करा पेन, माइग्रेन, डिप्रेशन जैसी बीमारियों का इलाज करने में। फिर डॉक्टर रेबेका, जो कि MIT की रिसर्चर है, उन्होंने इस चीज का इस्तेमाल करा मॉडिफिकेशन ऑफ मॉरल जजमेंट में। उन्होंने अपने कई पेशेंट्स को एक स्टोरी दी पढ़ने को और कहा कि इसमें जो विलन का कैरेक्टर है उसको आप 1 से लेकर 7 तक वैल्यू दीजिए अगर आपके लिए उसके एक्ट एक्सेप्टेबल है। तो एक विलन के एक्ट जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, तो लोगों को उसमें नंबर 1 के करीब देने चाहिए थे या 0 देना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन एक्टिविटी का इस्तेमाल करा तो वो सभी लोगों ने जो उसकी वैल्यू 7 के करीब थी उनके लिए वो चीज एक्सेप्टेबल हो गई थी। वहां पर उन्होंने मॉरल जजमेंट्स को चेंज कर दिया था लोगों के। तो इसमें उन्होंने किस हिस्से को सबसे ज्यादा स्टिमुलेट किया था, वो था टेम्पोरोपैराइटल जंक्शन। इसके बाद आते हैं डॉक्टर कार्ल डाइसरॉथ, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे। इन्होंने एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करा जो कि कहलाई ऑप्टोजेनेटिक्स। एल्गी में कुछ ऐसे प्रोटीन थे जो कि लाइट की कुछ खास वेवलेंथ पे रिएक्ट करते थे। उन्होंने उन प्रोटीन को निकाला और जो न्यूरल सेल्स थी उसके अंदर उनको इम्प्लांट करा एज अ चैनल, और उसको फिर बाद में रेगुलेट करा लाइट के थ्रू। बाद में इसी लाइट को उन्होंने वेवलेंथ के लेवल तक स्पेसिफिक कर दिया था कि अगर हम किसी खास वेवलेंथ से चाहें तो उसी से ही उसको स्टिमुलेट कर सकें।
ये चीज कहलाई ऑप्टोजेनेटिक्स, और इससे उन्होंने एक चूहे पे रिसर्च करी जिससे उसकी उन्होंने हंगर, थर्स्ट और मेमोरी जैसी चीजों को रेगुलेट करा था। फिर धीरे धीरे अब इस पे रिसर्च हो रही है कि क्या हम लोग इससे साइट यानी कि देखने की ताकत को भी वापस ला सकते हैं। अगर किसी न्यूरल डैमेज की वजह से आईसाइट कोई है तो क्या वो भी वापस आ सकती है? अभी फिलहाल उस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन चीजें लग रहा है कि पॉसिबल है। थैंक यू।